अब केंद्र सरकार भी कानून लेके आई है, सिविल सर्वेंट्स का काम है कि कानून पे अमल किया जाए। यूपीएससी के नतीजे में भोपाल के क्षितिज आदित्य शर्मा ने भी बाजी मारी है। क्षितिज मेरे साथ मौजूद है। क्षितिज, एक तो सबसे पहले बधाई आपको, आपने यूपीएससी में सिविल सर्विस में जाने की का मौका आपको मिल रहा है। किस तरह से आपने प्रिपरेशन की थी और क्या आपने टारगेट फिक्स कर दिया था कि मुझे यूपीएससी में जाना है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और यूपीएससी मेरा बचपन से लक्ष्य तो नहीं था। मेरा रुझान पहले तो थोड़ा एक प्राइवेट सेक्टर जॉब की तरफ था, पर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से मैंने अपना मन बनाया। थोड़ा पेरेंट्स के मन में भी ये विचार था बहुत पहले से, पर वो ज़्यादा हाथ खुल के व्यक्त नहीं करते थे। वो कहते थे कि आपको जो करना है आप वो करिए। पर कोरोना में भी ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा चिंतन करने लगा कि मुझे नौकरी से मेरी क्या अपेक्षा है। एक जो सेटिस्फैक्शन आपको मेरे ख्याल से नौकरी में आप चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में ही आपको सबसे ज़्यादा वो प्राप्त हो सकता है। और पब्लिक सर्विस से बड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता कोई नौकरी आपको दे सकती। तो पब्लिक सर्विस में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है, अभी जो बात हम यदि करें तो पेपर लीक के मामले जिस तरीके से उठ रहे हैं पूरे देश भर में बात हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस भी इस बात को लेकर बात कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए कानून हम लेकर आएंगे। आपको लगता है कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और उसके लिए आप भी कोई अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं सेवा में आने के बाद? जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पेपर लीक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। बेशक यूपीएससी में कोई समस्या नहीं देखी जाती क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। और अगर हम स्टेट के कई एग्जामों की बात करें, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बट उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, इन सभी स्टेट्स की बात करें, तो ये बहुत बड़ा एक चिंतन का विषय है। और एक तरह से मैं कहूँगा कि देश की युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और देखें तो केंद्र सरकार इसमें एक नया कानून भी लेके आई है, हमको मेरे ख्याल से कुछ उस कानून को थोड़ा वक्त देना चाहिए, शायद उसका परिणाम हमको देखने। लेकिन आप यदि सिविल सर्विस में आते हैं तो इस दिशा में आप भी कोई पहल कर सकते हैं कि अपनी तरफ से या कुछ सुझाव दे सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके मन में कोई विचार? जी जी मेरे ख्याल से मेरा मानना तो यही है कि कानून ऑलरेडी है हर राज्य में, अब केंद्र सरकार भी कानून लेके आई है। सिविल सर्वेंट्स का काम है कि कानून पे अमल किया जाए, सख्ती से एग्जाम का प्रोसेस कंडक्ट किया जाए। जो एक मापदंड यूपीएससी ने अपने लिए स्थापित किया हुआ है उसी स्टैंडर्ड पर सारे स्टेट सेवा के एग्जाम होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये स्टेट के ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी है। अभी देश भर में चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसा आप यदि प्रशासनिक सेवा में आते हैं तो आपको लगता है कि कुछ चुनाव की व्यवस्था में भी कोई बदलाव होना चाहिए, इसको लेकर आपकी तरफ से कोई पहल हो या इसकी तरफ से भी आप कोई सुझाव देना चाहेंगे सेवा में आने के बाद? जी मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि सबसे पहले वोटर अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो बैक हैंडेड प्रैक्टिसेस होती हैं चुनाव के एक दो दिन पहले जो चीज़ें होती हैं जो हम सभी जानते हैं, थोड़ा उन पर अंकुश लगाने की कोशिश होनी चाहिए। और पोलिंग बूथ्स में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल से। कई बार एलिगेशन लगते हैं, कई बार रिगिंग के या कुछ हैवी हैंडेड टैक्टिक्स के एलिगेशन सुनने में आते हैं। आई थिंक सरकारी मशीनरी का यही रोल है कि प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखें और डेमोक्रेसी को पूरी तरह फूलने दें। प्रशासनिक सेवा में आने के बाद जन सेवा से एक तरीके से जुड़ जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कोई ऐसा सोच है कि मैं सेवा में आने के बाद किस तरह की पहल करूं ताकि कुछ नया सिस्टम में हो सके, कुछ इस तरह से भी आपने सोचा है क्या? जी देखिए वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर मुझे पोस्टिंग मिलती है, पर मेरे फोकस एरियाज जिन पर मैं सबसे ज़्यादा काम करना चाहता हूँ वो है फीमेल एम्पावरमेंट, उनका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट, और यूथ के लिए नई नौकरी लाने की पहल, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में युवा को एक बार बाहर जाना पड़ता है। मैंने खुद ने भी बॉम्बे में जॉब की है तो ये मेरे लिए भी एक फोकस एरिया रहता है। चलिए आदित्य एक और बात बता दीजिए कि किस तरीके से आपने पूरी तैयारी की एग्जाम को लेकर और यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ? जी मैंने एक्चुअली इस एग्जाम की तैयारी घर से रहकर ही करी है। 2021 के अक्टूबर में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और करीब नवंबर या दिसंबर से मैंने अपनी तैयारी चालू कर दी थी। और आप किसमें जॉब कर रहे थे? मैं मेरा ग्रेजुएशन लॉ में है तो मैं बॉम्बे में कॉर्पोरेट लॉ फर्म में ही नौकरी कर रहा था। और कितनी तैयारी करना पड़ी आपको यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए? तकरीबन 2 साल। कैसे आपने क्या किसी कोचिंग संस्थान की मदद ली या खुद अकेले लेकर पढ़ाई की, यानी कितने घंटे आपने बिताए, कैसे पूरी तैयारी की? जी मैंने कोई कहीं फुल टाइम कोचिंग नहीं दी, मैं घर से ही तैयारी कर रहा था। और मैंने निर्णय बना लिया था कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है कोचिंग के लिए, क्योंकि वो एक भेड़ चाल वाला माहौल बन जाता है दिल्ली में ओआरएन में, और मुझे खुद को उससे दूर ही रखना था। मैंने घर पर रहकर तैयारी करी, करीब 8 से 10 घंटे तैयारी का मेरा पढ़ने का मेरा गोल रहता था, पर घंटों से ज़्यादा मैं अपने टॉपिक्स पे फोकस करता था। मैं हर रात सोने के पहले एक लिस्ट बनाता था टॉपिक्स की जो मुझे कल पढ़ने हैं, और अगर वो जल्दी भी हो जाते हैं तो फिर खुद को ब्रेक दे देता था, जैसे कहीं मूवी देखने चला गया या अपने भाई के साथ कॉफ़ी पीने चला गया, उस
तरह लोग कहते हैं कि मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने से पढ़ाई प्रभावित होती है, क्या आपको लगता है कि आपने इसको कैसे मैनेज किया कि यानी मोबाइल कम से कम देखें या पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें? जी, मैंने ये कोशिश नहीं की कि मैं खुद को कट ऑफ कर लूँ सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से, पर मैं ये जरूर करता था कि जैसे मैंने एक ब्लॉक बनाया है टाइम का, इन 3 से 4 घंटे पढ़ने का, उस समय मैं ना कोई ऐप देखूंगा ना किसी मैसेज का रिप्लाई करूंगा, और बीच में जो मैं ब्रेक लेता था उनमें अपने दोस्तों से बात भी करता था, व्हाट्सएप पे होते चैट भी करता था, पर वो जो मेरे टाइम ब्लॉक स्विच थे वहाँ पे मैं अपना फोन छूता भी नहीं। किस तरह के सब्जेक्ट लेकर आप आगे बढ़े? मेरा ऑप्शनल लॉ में ही है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन जैसे मैंने कहा लॉ में। तो क्षितिज आदित्य शर्मा है जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बनाई, जितना समय यूपीएससी की परीक्षा के लिए देना चाहिए उतना उन्होंने समय दिया, और अब वो चाहते हैं कि इस सिस्टम में आने के बाद वो बेरोजगारों के लिए कुछ कर सके, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो कुछ कर सके, और इसी दिशा में कुछ काम करने की वो कोशिश करेंगे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।